झारखंड में राजनीति करने वाले झारखंड के तमाम माने पार्टियों को जो है मजबूर कर देंगे कि वो हमसे और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आकर के गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दलितों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को और आदिवासियों को अनदेखा करके सत्ता पर उन्होंने काबिज होने का काम किया है। 37% लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन बसर करते हैं, ये अत्यंत दुख की बात है। पूरे झारखंड प्रदेश में जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी के माध्यम से लोगों को जो है लाभान्वित कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी का जो विचार है, गरीबों के लिए जीना, पिछड़ों के लिए जीना, दलितों के लिए जीतना, शोषितों के लिए जीतना, वंचितों के लिए जीना और छोटे छोटे व्यापारी और रोजगार करने वाले लोगों के लिए जीना, मजदूरों के लिए जीना और मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोगों के लिए जीना, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में इनके सारे विचारों को जो है हम लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे। झारखंड प्रदेश के जन जन में जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी के विचारों को जो है झारखंड के हर एक पंचायत और गांव में उनके विचारों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बिहार के पप्पू यादव एक ऐसे नेता जो कभी गरीबों के बीच रहते हैं तो कभी सड़क पर संघर्ष करते नजर आते हैं। अगर किसी को ज़रूरत होती है पप्पू यादव की तो वो सड़क पर मिलेंगे और गरीबों के बीच मिलेंगे, पर पप्पू यादव का पर सवाल ये खड़ा होता है कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में ऐसे मझधार में फंस गए, ना ही वो NDA के साथ है और ना ही वो महागठबंधन के साथ है, तो उनकी राजनीतिक भविष्य क्या होगा? ऐसे में पप्पू यादव अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं झारखंड में भी, उनकी पार्टी अब आज से जानी जाएगी और झारखंड में भी उसी तरह से उसी अंदाज में पप्पू यादव की पार्टी काम करेगी। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है जन अधिकार पार्टी के गुलाम मुर्तजा आलम। मुर्तजा आलम साहब, क्या रोड मैप रहेगा जाप का झारखंड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इमरान साहब को, तारिक साहब को, जिन्होंने हम जैसे बहुत छोटे से आदमी को जो है आदरणीय पप्पू यादव जी जो शेरे बिहार हैं मेरे नज़र में, और अपने अच्छे कामों के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जो अपना परचम लहराया है, मैं उनके कामों को देख करके ये संकल्प लिया हूँ और ये आशा जताता हूँ कि झारखंड प्रदेश के जन जन में जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी के विचारों को जो है झारखंड के हर एक पंचायत और गांव में उनके विचारों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये बताइए, पप्पू यादव जिस तरह से बिहार में नजर आते हैं, पप्पू यादव की पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब जो बिहार में गरीबों को मदद करते आते हैं, बाढ़ में मदद करते हैं, क्या झारखंड में भी उस प्रकार से जाप करेगी काम? निश्चित रूप से। देखिए, चूँकि जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी का जो विचार है, गरीबों के लिए जीना, पिछड़ों के लिए जीना, दलितों के लिए जीतना, शोषितों के लिए जीतना, वंचितों के लिए जीना और छोटे छोटे व्यापारी और रोजगार करने वाले लोगों के लिए जीना, मजदूरों के लिए जीना और मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोगों के लिए जीना, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में इनके सारे विचारों को जो है हम लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश में जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी के माध्यम से लोगों को जो है लाभान्वित कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। पर झारखंड में झामुमो है, JMM पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, फिर पप्पू यादव की पार्टी वहां कैसे विकास कर पाएगी? देखिए, झारखंड प्रदेश में निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में जो है 37% लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन बसर करते हैं, ये अत्यंत दुख की बात है। और जिन लोगों का आपने नाम लिया है, ये सारे लोग सत्ता पर तो जरूर रहे हैं लेकिन दलितों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को और आदिवासियों को अनदेखा करके सत्ता पर उन्होंने काबिज होने का काम किया है और चुनाव के समय में जो है लुभावना भाषण देकर के, लुभावना वादा देकर के वहाँ के भोले भाले नागरिकों को ठगने का प्रयास किया है। और जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी के नेतृत्व में उनको ठगने और छलने नहीं देंगे और वहाँ के लोगों को इंसाफ और न्याय दिलाकर रहेंगे। भविष्य में किसी पार्टी से गठबंधन करेगी झारखंड में आपकी पार्टी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी पूरे राष्ट्र में किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। हम लोग अपने बलबूते पर झारखंड में राजनीति करने वाले झारखंड के तमाम माने पार्टियों को जो है मजबूर कर देंगे कि वो हमसे और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आकर के गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गुलाम मुर्तजा आलम साहब थे जो कि झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जन अधिकार पार्टी के द्वारा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या झारखंड में भी पप्पू यादव की पार्टी और उनकी नेता जो सड़क पर जो बिहार में करते हैं, सड़क पर संघर्ष हो या फिर गरीबों को मदद, वो झारखंड में देखने को मिलेगा कि नहीं। और भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि जन अधिकार पार्टी झारखंड में कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। बहरहाल, आपको हमारे बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जो हर हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।